जाने कितने दुख देखने पड़ेंगे इस घर को इन बहुओं की वजह से। अब तो राम ही बचाए हम सबको इस नई दुल्हन से। माँ ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी गलत बातें क्यों? क्या 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 गलत कहा मैंने? माँ शांत रहो माया। शांत रहो? अरे आज तक मेरे बेटे ने मेरे सामने नजर नहीं उठाई, आज आवाज उठा रहा है तू मेरे सामने? ए लड़की क्या पट्टी पढ़ाए रे तूने वहां पीहर से यहाँ ससुराल तक के सफर में? हाँ माम अब समझती क्यों नहीं है? मैं सब समझती हूँ। सात फेरे क्या लिए तूने? 9 महीने की कोक को भूल गया तू? बरसों की माँ की गोद से ज्यादा लुगाई के पल्लू से प्रेम हो गया है तन्ने? सही कहा है सियानों ने, लुगाई के आते ही माँ की बातें कड़वी लगने लगती है। माँ क्या जादू टोना किया तूने मेरे बेटे पर? माया क्या कह रही हो? क्या सोचे कि बहू अपनी ससुराल के बारे में क्या नई बहू का ऐसे स्वागत करते हैं? अरे आप ही बताइए ना, कैसे स्वागत करूं मैं इसका? हाँ पलके बिछाकर स्वागत करूं? और क्या सोचेगी हमारे घर के बारे में? इसके जालौर के कच्चे मकान से तो लाख अच्छा है हमारा ये घर। कैसे स्वागत करूं इस लक्ष्मी का? घर में आते ही कलेश करवा दिया, हम दोनों बिस्तर पर पड़ गए और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने लगे। माँ बस कीजिए। देख बस कीजिए माँ। पानी पानी पीजिए, पानी पीजिए। शांत हो जाइए। माया अगर इस घर में सब होता रहा ना तो मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए हमारी ये हालत भगवान ने की है, समझी तुम? अब तो भगवान उठा ले मुझे बस। ऐसे अशुभ वचन मत बोलिए जी। तो अपने कड़वे वचन बंद करो। वैसे भी मेरा समय तो आ गया था, लेकिन इस बहू के चेहरे की लालसा ने मेरी सांसें बचा रखी हैं। और माया जिसे तू खरी खोटी सुना रही थी ना, उसी के शुभ कदमों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, समझी? मरने मराने की बात मत कीजिए जी। ठीक है बस ताला लगा देती हूँ अपने मुंह पे, ताला लगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ कौन मेरी सुनता है? तो मुंह पे ताला लगा लो, समझी? और आशीष दे अपने बेटे को और अपनी बहू को। और सुनो बहू का अच्छी तरह से स्वागत करो, हम इसकी शादी में जा तो नहीं पाए लेकिन जो रस्में बची है ना उन्हें मन लगा के पूरा करो माया। देखो अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है आप शांत हो जाइए, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगी बस।
सी जगह किसकी है? अन्ने तो ससुराल जाना था। जी तुम्हारा ससुराल ना हो सके। तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। पता नहीं आपको क्या क्या सुनना पड़ा। इसमें आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं। और फिर हमारी मासा कहती हैं कि जो होता है भले के लिए ही होता है। इस तरह हम दोनों का इस मोड पे आना पता नहीं क्या बला छुपा है इसमें। हमारा ना सही पर हमारी भाईली भवरी का तो भला है ना इसमें। शादी से पहले भवरी ने क्या क्या सपने संजोए थे ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर आज वो यहां होती उसका दिल टूट जाता। बचपन में भवरी ने हमारी खातिर बहुत डांट सुनी है। लगता है अब हमारी बारी है। उसके यहां आने से पहले हम मासा की सारी करवाहट को प्यार में बदल देंगे ताकि वो जब यहां आए तो उस पर सिर्फ प्यार की बरसात। कुछ मत कहो, बिल्कुल चुप। अपनी आंखें बंद करो और मेरे प्यार को महसूस करो। जब तक मैं ना बोलू ना इन आंखों को खोलना मत। ताना दो।
सुनाई दे रही है, वो कह रही है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कोई खबर मिले आप मुझे फोन कीजिएगा। शुक्रिया। कुछ पता चला? जी शुक्रिया, अपने घर वालों की खुशी के लिए कपड़े बदल दिए। जी मुझे लगता है कि आपको एक बार शौर्य जी को फोन करना चाहिए, शायद इस बार नंबर लग जाए। क्या बात है, हमारी दुल्हन इतनी ज्यादा सुंदर कैसे होती जा रही है? फोन बज रहा है। तुम बजने दो ना, तुम इधर आओ मेरे पास। तुम मुझ पे ध्यान लगाओ। अरे पर ऐसा भी तो हो सके ना कि कोई जरूरी फोन हो। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है? पर ऐसा भी तो हो सके ना कि आप कहे किसी अपने का फोन। ये बात बताओ, जो मेरा सबसे ज्यादा अपना है वो तो अभी मेरे सामने है, अब मुझे किसी और की जरूरत हो सकती है। क्या हुआ? फोन बज तो रहा है पर कोई उठा नहीं रहा है। आप हिम्मत मत हारिए, बात कीजिए। आप अरे बाबा छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? हेलो हेलो शौर्य जी, तुम मेरे पास आओ, आराम से बैठो। हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं क्यों शौर्य जी ने हमारा फोन काट दिया। आपने जी फोन क्यों काटा? क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तब सिर्फ हम आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। देखिए शायद सिग्नल नहीं होगा, फोन कट गया होगा, आप एक बार फिर कीजिए। और वैसे भी कोई अनजाना सा नंबर, एक काम करते बंद ही कर देते हैं। उसे पता थोड़ी वो कितने खूबसूरत लम्हे में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। फोन नहीं लग रहा है, कहीं कहीं शौर्य जी किसी मुसीबत में तो नहीं है? आप अपने घर पे क्यों नहीं फोन करती? शायद मां से कोई खबर मिल जाए। लेकिन कीजिए ना, शायद कीजिए। दिम्तर, 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 दिम्तर,
हेलो मासा, मैथिली 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 बेटा, आप हैं कहाँ? सब कुछ मैथिली बेटा, हमारी बच्ची कैसी हैं आप? एक्सीडेंट में आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना बेटा? ट्रेन एक्सीडेंट की खबर सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी बेटा। फिर जमाईसा के महाशय ने बताया कि आप दोनों खुशहाल हैं और ये खबर उनको जमाईसा के किसी दोस्त ने दी है। लेकिन क्योंकि आप दोनों से बात नहीं हुई थी तो आपकी मासा और हम बहुत चिंतित थे बेटा। आप और जमाईसा ठीक है ना? मैथिली बेटा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? शौर्या जी के दोस्तों से उनके ठीक होने की खबर आई, पर अभी भी कुछ पक्का नहीं है। अरे क्या बात है, कहिए किसी चीज की जरूरत है तो हम अभी वहां आ जाते हैं। नहीं नहीं बापू साहब, हम ठीक हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और हम जमाईसा से बात कर सकते हैं क्या? बापू साहब, हम आपकी बात बाद में कराते हैं। कोई बुला रहा है हमें। हम हमें लगता कि हमारी बेटी किसी परेशानी में है। नहीं, आप एक बाप है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। सोचिए, अभी अभी बच्चों की शादी हुई है और कितनी रात भी हो गई है। जमाईसा क्या सोचते होंगे कि मायके वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। हम कल सुबह दोबारा बात कर लेंगे उनसे, अभी रहने दीजिए। बच्चे खुशहाल हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। शौर्या जी और भवरी का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? कहीं वो किसी मैथिली जी, ऐसे वक्त में विश्वास ही हमारी सोच की दरोबर है। देखिए, और फिर शौर्या जी के दोस्तों ने उनके सकुशल होने की खबर दी है ना, ये उम्मीद की किरण नहीं है तो क्या है? देखिएगा अनादि जी, जिस तरह शौर्या जी की खबर मिलने पर हमें उम्मीद की किरण मिली है, उसी तरह जल्दी भवरी की खबर जरूर आएगी। भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। मैथिली जी, एक बात कहूं आपसे, भवरी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी भाईली मिली। और एक तरफ मैं हूं, अपने मां बाबू की हालत देखकर इतना स्वार्थी हो गया हूं, ये भी भूल गया कि आपको शौर्या जी तक पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी जाकर बापू साहब को सब बता दूंगा कि आप उनकी बहू नहीं है। Oh.